जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने मेरे को मेरे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, और मैंने सोचा क्यों ना एक फटाफट एक वीडियो बना दूं और आपके सारे सवालों का जवाब यहीं पर दे दूं। जिस भी कॉमेंट पर आपके बहुत सारे लाइक्स है या जिस पे बहुत सारे प्लस वन के रिप्लाईज हैं, उन सारों का मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला इन्होंने लिखा है पूजा मैडम ने कि एवरी टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप, आई ओनली थिंक ऑफ दिस, पहला डिजर्व बिफोर यू डिजायर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। और दूसरा, देर इज समबडी एल्स फीलिंग एग्जैक्टली द सेम एंड येट इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस दे आर स्टडिंग। वेरी वेल सेड कि कोई और है जो तुम्हारी तरह तुम्हारे से ज्यादा बुरे सिचुएशन में है और वो फिर भी गिव अप करने की जगह पढ़ाई कर रहा है। तो आई थिंक दीज आर द लेसंस दैट keeps her going, which is very nice. But दोस्तों, उसके बाद अगले issues पे आते हैं जिससे आपके issues resolve होंगे। पहला उन्होंने कहा है कि major issues, पहला काजल जैन कहते हैं major issues, पहला sleep, दूसरा everything seems interesting except studies. दोस्तों देखो, sleep का तो क्या है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि दोस्तों या तो नींद पूरे होंगे या सपने। और ये जो अभी आने वाला समय है ना, ये 1.5 से 2 महीना, मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को, और मैं ये हर स्टूडेंट के साथ होता हुआ देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो हरकतें थी पहले, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बदल चुकी है। अब उनको समझ आ चुका है कि अगर बचे हुए समय पे मैंने अपनी जान झोंक दी तो रिजल्ट्स मेरे फेवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कहाँ के 2 महीने सर, आपका सितंबर खत्म होने आ गया, अक्टूबर, और फिर बस नवंबर में एग्जाम है। तो ये बच्चों को बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है दैट दे हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, एंड द मोर एफर्ट दैट दे पुट इन राइट नाउ, उतनी प्यारी नींद आएगी एग्जाम के बाद। और जो मान लो अभी सोते रह गए, तो एग्जाम आपको खत्म होने के बाद आप रोज रात को यही सोच के परेशान होगे कि यार कल सुबह फिर से उठना है, फिर से उठ करके पढ़ना है, और वही बुरा शेड्यूल चलता रहेगा। तो दोस्तों, अभी अपने सपने को कंट्रोल करना तुम लोगों ने आ गया होना चाहिए, इट शुड नॉट रियली बी अ प्रॉब्लम। दूसरा, पढ़ाई के अलावा सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। अरे बेटा, मजा आता, मन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सब आइडियल सिचुएशन हो गया ना, ये तो सब इमेजिनरी सिचुएशन हो गया ना। ऐसे थोड़ी है मन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई मेहनत तो तभी कहते हैं ना जब आप पढ़ाई कर रहे हो जबकि आपका मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको करना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको मेहनत कहते हैं। और मेहनत तो करना पड़ेगा राजा, सो डू नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सर, इस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स है, सर आई एंड अप स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल चैप्टर, प्लीज गिव मी सम सजेशन फॉर टाइम मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप पहली बार जब आपने रिविजन किया होगा, आप लोगों ने बाजू में कुछ समय टाइम नोट करके रखना चाहिए। प्लीज समझो कि एग्जाम में आप जितना स्मार्ट काम करोगे उतना आपके फायदे में काम होगा। अपने सारे चैप्टर्स के बाजू में मैं क्या करता था, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ IDT, इनडायरेक्ट टैक्स, आपका जो GST है, तो मैं हर चैप्टर के बाजू में एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के लिए मेरे को कितना टाइम किया लगा उतना नोट करता था। और जब मैं क्लॉक शुरू करता था ना टाइम नोट करने के लिए, तो मैं बीच में टाइम वेस्ट नहीं करता था ताकि मेरे को एक्यूरेट टाइम मिल जाए। मान लो अगर वो पूरा चैप्टर मेरा फुल स्पीड में खत्म करके 55 मिनट्स में हो गया, अब यहाँ पे फायदे होते थे क्योंकि मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करने का, तो मैं बहुत एक्टिवली पढ़ाई कर रहा हूँ। अब एक्टिवली मेरे को पता चल गया 55 मिनट में खत्म होगा, तो अगली बार जब मैं वो चैप्टर करता हूँ ना, तो मैं उसमें टाइमर सेट करता हूँ 40 मिनट का, और मेरे को पता है 40 मिनट में ये चैप्टर खत्म कर रहा हूं तो मैं सही कर रहा हूं वरना कुछ गलत कर रहा हूं। तो अपने आप को तुम टारगेट्स दे दे के खत्म करोगे ना, ये चीज नहीं होगी। आप अगर एक चैप्टर कर रहे हो तो हर पेज के पीछे टारगेट रखो कि मान लो मैं 40 मिनट है मेरे पास और 10 पेज का चैप्टर है, तो एक पेज पलटाने के लिए मेरे पास 4 मिनट है। अब 4 मिनट में मैं किस तेजी से जाऊंगा वो धीरे धीरे करके पता चलेगा। बट प्लीज, ये क्यों होता है पता है, क्योंकि आप अपने शेड्यूल को छोड़ना शुरू कर देते हो कि यार ठीक है यार 1 घंटे में हुआ तो ठीक है, 3 घंटे में हुआ तो ठीक है। नहीं भैया, ठीक नहीं है। आप अपने हर आधे आधे घंटे को कंट्रोल करोगे ना, तब जाके पूरा दिन आपके कंट्रोल में आएगा, वरना कंट्रोल में आने वाला नहीं है। सो फॉर टाइम मैनेजमेंट यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल मोर इन अ स्मार्ट मैनर। दोस्तों, व्हाट लास्ट मिनट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड टू इंक्रीज द स्कोर। ऑल्सो सर, प्लीज सी ए फाइनल लॉ पेपर प्रेजेंटेशन टिप। पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स बेटा हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किए हैं, लेकिन लास्ट मिनट पॉइंट्स टू कीप इंक्रीज योर स्कोर, दोस्तों लास्ट मिनट टिप्स में मैं आपको पढ़ाई के बारे में तो बताता ही रहता हूँ, एक और चीज बताऊंगा, अभी की जर्नी आपके आने वाला समय डिसाइड करने वाला है। अभी का जर्नी इन द सेंस, अभी आने वाला जो समय है ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप उसको ढंग से मैनेज नहीं करेंगे। आपके पास थोड़ा सा तबीयत खराब होने का प्रोविजन होना चाहिए कि आप 2 से 3 दिन आपके कुछ एक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में आपका पूरा प्लान बिखर जाए। दूसरा, आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस का एकदम ध्यान से रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट लिखो, जरूरी नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करो। अगर आप ICI का जो मॉक टेस्ट रिलीज हो रहा है उसको घर में एक दिन बैठ के पढ़ के शिद्दत से 3 घंटे लिख दोगे ना, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज उसको एकदम ध्यान रखना। स्क्रोलिंग यूट्यूब इवन आफ्टर नोइंग इट इज हार्मफुल, जस्ट लाइक नोइंग द फैक्ट दैट जंपिंग फ्रॉम प्लेन विदाउट पैराशूट लीड्स टू दैट। जैसे कि तुमने खुद ही कहा हरीश, जब पता है कि बिना पैराशूट के जंप करोगे तो डेथ हो जाएगी, तो तुम वो करते नहीं हो।
पर यहाँ स्क्रोलिंग यूट्यूब में तुम नहीं रोक पा रहे हो अपने आप को। मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब में मैं क्या करता हूँ। यूट्यूब के लिए देर इज अ एक्सटेंशन जो गूगल क्रोम का आता है। सबसे पहले यूट्यूब का ऐप डिलीट कर दो, उसको गूगल क्रोम पे लॉगिन कर लो। वहां पे एक एक्सटेंशन आता है जहां पे आप जो वीडियो सर्च करके खोलोगे ना, सिर्फ वही वीडियो देखेगा। उसके नीचे के कमेंट्स भी नहीं दिखेंगे, बाजू में रिकमेंडेशंस भी नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, वो एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। मैं एक्सटेंशन आपको बताऊंगा नीचे कमेंट पे, अगर आपको पता है तो प्लीज बता दो, नहीं तो मैं अपने कमेंट पे बता दूंगा इस वीडियो के। वो एक्सटेंशन डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो गूगल क्रोम का, दैट विल सिग्निफिकेंटली सेव योर टाइम। एंड बॉस एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन, डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर? If you do not have a strong willpower, you are not going to be able to crack this exam. You need a strong willpower. वो आपको चाहिए तभी जाकर के ये सारी चीजें जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ हद तक ही काम आता है। आप अगर ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर दिन मोटिवेटेड रहोगे, पर जैसा कि मैंने आज अपने पोस्ट में डाला कि हर दिन मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं है, पर नहीं मोटिवेटेड होकर के भी पढ़ना, गिव अप नहीं करना, वो आपकी मेहनत है जो आप लोगों को करनी पड़ेगी। समझे क्या? Did you understand दोस्तों? उसके अलावा consistency is a major issue, not anymore guys. I think you are so close to your exam that these problems should have already been overcome. आपका सबसे बड़ा problem अभी होना चाहिए कि इतने बड़े syllabus को मैं control में कैसे लाऊं। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए और इसका सोल्यूशन ढूंढने में आपका पूरा दिन जाना चाहिए, ना कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम उठ नहीं पा रहे हो, लेट मी टेल दिस ऑन योर फेस, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर एग्जाम। अरे नहीं सर, आप नहीं समझोगे, नींद आती है? नहीं आती है। अगर तुम अपने पढ़ाई को प्रेफरेंस दे दो ना, तो 10 बजे उठने वाला इंसान भी 6 बजे उठ रहा है इसी दुनिया में, जिस दुनिया में तुम हो। तो ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा। नहीं करने वाले लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सर फॉर चैप्टर्स लाइक फेमा एंड, वो चला गया कहां पे, फॉर चैप्टर्स लाइक फेमा, कहां गया For chapters like FEMA and winding up CA final का है, please provide video of important topic. Already डाला हुआ है दोस्तों, FEMA का भी important topics का video डाला हुआ है और winding up का भी सिर्फ 40 मिनट में पूरे important topics का revision दिया हुआ है, ताकि आपको पूरा chapter ना skip करना पड़े। Please थोड़ा सा research, थोड़ा सा effort डालो मेहनत करके खोजने में चीजों को, क्योंकि ऐसा थोड़ी आप जब मांगो ऐसा कि मेरे को अभी ये चाहिए और सामने से शुभम सिंगल सर का मैसेज आए कि ये ले, तुमने पुकारा और हम चले आए। दोस्तों उसके बाद क्या लिखा है, बट सर स्टडीज गोइंग वेल बट बिगेस्ट वर्ल्ड कप। ठीक है दोस्तों, बस यही है आप लोगों का। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, छोटा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट करके, आई वांट टू टेक यू टू अ वेरी रीसेंट पोस्ट ऑफ माइंड व्हिच आई थिंक इज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट एंड समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। या आपको अभी स्क्रीन पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट दोस्तों ये एक पोस्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब आप लोग अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं सही में पढ़ाई कर रहा हूँ? यार टीचर्स ने तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अगर 100 का 90 भी किया तो रिजल्ट तुम्हारा, 100 का 110 भी किया तो रिजल्ट तुम्हारा। ठीक है, माई क्वेश्चन टू यू इज, आर यू जेन्युइनली पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड? अभी तक तुमने जो भी गलतियां की, मान लो तुमने क्लासेस ढंग से नहीं किए, मान लो तुमने पिछले एक महीने में पढ़ाई नहीं की, सारी गलतियां माफ है। मेरा सवाल ये है, अभी आने वाले जो 1.5 महीना ना दोस्त, वो तुम्हारा गेम चेंजिंग हो सकता है। जो बच्चा इतने समय से पढ़ रहा है ना, एकदम शिद्दत से पढ़ रहा है, अगर वो 1.5 महीने में ढील छोड़ेगा ना, वो फेल हो जाएगा। और वही बच्चा जो इतने समय से ढील छोड़ रखा था, आज वो अगर कस के पकड़ लेगा ना और अपने कंट्रोल में अपने आप को बस ले आएगा, एग्जाम को कंट्रोल में नहीं ला रहा है, बस अपने आप को कंट्रोल में ले आना कि तुम बोल रहे हो उठ तो तुम उठ गए, तुम बोल रहे हो सो जा तो तुम सो गए, तुम बोल रहे हो फोन रख दे साइड में तो तुम रख दिए। इतने कंट्रोल में जब अपने आप के ले आओगे ना, तो आगे 1.5 महीना संभाल लो और उसके बाद आपका पेपर अपने आप संभल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, जस्ट स्पेंड सम टाइम टू रीड इट एंड डू लेट मी नो। यहीं पे पॉज करो, यहीं पे पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको पूरा मैसेज को रीड करो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी हार्टफेल्ट नोट और तुमको ये समझ आनी चाहिए मैं तुमसे क्या बात करना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ। बिकॉज आई कीप ऑन टेलिंग यू एवरी टाइम that you have to deserve before you desire, because if you just keep on desiring, अरे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं होने वाला राजा, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, एंड विद दैट, अगर आपको ये समझ आया, ये पोस्ट समझ आया, पॉज करके पढ़ लो एक बार और पोस्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बता देना। इंटर वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों का सुपर 50 सेक्शन जो मैराथन है, वो आप लोगों के बस मॉक टेस्ट पेपर का वेट हो रहा है। जब आपका फाइनल मॉक टेस्ट पेपर आ जाएगा तो आप लोगों के लिए सुपर 50 आ जाएगा। फाइनल वाले बच्चों, आप लोगों का RTP MTP का मैं दोनों का वीडियो इस बार इस तरीके से बनाने वाला हूं कि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिस्कस करने लायक नहीं है। और दोस्तों उसके
अलावा पूरा रिविजन वीडियो इंटर का फाइनल का सारा अपडेटेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अमेंडमेंट्स बन गए, अमेंडमेंट्स अपलोड हो गए, कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है पर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोडेड है। बस कोशिश करके प्लेलिस्ट तक पहुंच जाना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और कुछ अगर आपको मुझसे लगे तो बिल्कुल कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के सारे लोगों की कमेंट्स पढ़ ही रहा हूँ। और एक बार अपने लिए मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, पर एक बार अपने लिए कमेंट पे लिख के जाना कि मैं इस बार एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। एक बार दिल से आने देना, दिल से, और एक बार दिल से आने देना और लिख के जाना मैं इस बार एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। एंड आई एम श्योर दैट पॉजिटिविटी विल टेक यू फॉरवर्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।